गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है माई नेम इज विकास कुमार एंड आई एम फैकल्टी इन अध्ययन द एफर्ट इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जैसा कि यूट्यूब uh, के जो ये चैनल है इस पर आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी जो दो पेपर हैं एक्चुअली डबल ई और ट्रिपल ई इनका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके पेपर है और आपको सी और ई ई इनका इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी नाम से पेपर है ये दोनों पेपर सेम ही है इसका कोड आपको ई एल ई थ्री ज़ीरो थ्री है और इनका जो कोड है वो है आपको ई सी ई थ्री ज़ीरो फोर ठीक तो इनका लेक्चर वन जो है जिसमें कि हम लोग आपको इलेक्ट्रिक सर्किट और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्लास हम लोग लगाए थे ठीक है उसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको कवरअप करेंगे इससे पहले एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपको ये डेट जो है ये याद रखना है दैट इज़ नाइनटीन ऑफ अक्टूबर 2021 इस डेट को फ्रेश बैच जो है वो शुरू हो रहा है आप लोग सबका बहुत सारा क्वेरीज था कि जो बैचेज ऑलरेडी चल रही हैं उनमें चूंकि सिलेबस को कवरअप कर लिया गया है इन पेपर्स के लगभग एक यूनिट तो कंप्लीट हो गया है दूसरा यूनिट में हम लोग एंटर कर चुके हैं दूसरा यूनिट भी कुछ टॉपिक को कवर अप कर लिया गया है यूनिट टेस्ट वगैरह सब कुछ कंडक्ट हो गया यूनिट वन का तो अब जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हो नाइनटीन ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को जो आपका फ्रेश बैच न्यू बैच जो शुरू हो रहा है सभी ब्रांचेज में ये आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी ई सी में कंप्यूटर साइंस में सिविल में मैकेनिकल में सभी ब्रांचेज में नाइनटीन अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को न्यू बैच बिल्कुल फ्रेश बैच शुरू हो रहा है इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर अवेलेबल है उस पर आप कॉल करके पूरी डिटेल इंक्वायरी ले सकते हैं ठीक है अब आगे ये था एक जरूरी इंफॉर्मेशन आगे हम लोग जो है पेपर को कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको समझने से पहले आप लोग जो लेक्चर वन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको थोड़ा सा जरूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट का इसमें ज़रूरत पड़ेगा तो आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है ठीक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टॉपिक है ये जनरली आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के टर्म में लिखने के लिए आता है इन जनरल तो आप लोग सिर्फ एक डेफिनेशन लिख कर छोड़ देते हैं ठीक है और डेफिनेशन में भी आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखते हो तो आप लोग इस वीडियो में जो सीखोगे तो एक कंटेंट छोटा सा बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है शॉर्ट नोट्स में अप्रोक्सीमेट हाफ पेज जितना आना चाहिए ठीक है कम से कम लेकिन ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी वास्ट है एलेवेंथ ट्वेल्थ के अगर सिलेबस से आप कंपेयर करो तो काफ़ी वास्ट टॉपिक है लेकिन डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है फिर भी जो ज़रूरी कंटेंट है जितना कि जाना चाहिए जितना कि स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए वो आपको बिल्कुल कम से कम अपने कॉपी में लिखना है ठीक है ताकि आपको फाइव में से फाइव मार्क्स एटलीस्ट फोर मार्क्स आपको मिले कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स थोड़ा सा डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं बस हमको तो फाइव आउट ऑफ फाइव मिल जाएगा या फाइव में से फोर मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएंगे बट वहाँ या तो उनको जीरो मार्क्स अलॉट हो जाता है या फिर एक या बहुत थोड़ा सा भी कंटेंट अगर रहा तो दो नंबर दे के जले जाते हैं ठीक क्योंकि कंटेंट में आप लोग ध्यान नहीं देते क्या लिखना है ठीक है तो पहले तो हम लोग इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है ठीक है देखिए अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना है डेफिनेशन आपको रटना नहीं है बस उसको समझ लीजिए और अपने लैंग्वेज में आप आराम से लिख लीजिए पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते किसको है उसको समझने के लिए चार्ज को भी हम समझाए हैं जो आपका लेक्चर वन है उसमें हम चार्ज को समझाए हैं तो पॉजिटिव चार्ज से इन जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या हो रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती है ठीक है तो ये एक आपका चार्ज है कैपिटल इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर द इमेजनरी लाइन आप इनको देख तो नहीं सकते बट यू कैन एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा डेफिनेशन ही बताया थे इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ठीक है तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब जाओगे तो यू कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स आप एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो तो इसके आसपास अगर हम लोग कोई चार्ज लेकर आएंगे तो अगर वो लाइक like चार्ज मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज है कोई दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं लाइक like हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर अगर कोई क्यू स्मॉल क्यू चार्ज लेकर आएंगे तो इन दोनों के बीच में रिपेलिंग फोर्स आप जैसे ही वो इसके इस रीज़न में इस रीजन में जैसे ही एंटर करेगा इस रीजन में इसके एरिया में जैसे ही एंटर करेगा ठीक है तो आपको एक तरह का इलेक्ट्रिक फोर्स इस रीजन में आप फील करोगे ठीक है तो आप क्या बोलोगे दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस कैपिटल क्यू चार्ज एंड हाउ कैन यू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस कैपिटल क्यू चार्ज तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज उसके बाद हम लोग ये भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है आर डिस्टेंस पे कितना होता है देन के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर होता है तो ये हम लोग आ, लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को हम इस डेरिवेशन को भी करवाए हुए हैं ठीक है तो फॉर टाइम बिंग आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब शुरुआत करेंगे तो लास्ट लेक्चर में एक और भी बात बताए थे कि इन्फिनीटी हम लोग किसको कहते हैं ठीक है तो इन्फिनीटी का मतलब क्या हुआ इस ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीज़न देखिएगा तो यहीं तक आप बस फोर्स एक्सपीरियंस कर पाओगे इसके बाहर आप कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे आप कोई भी चार्ज यहाँ रखोगे तो मान के चलते हैं ये कोई पॉइंट पी है दिस इज अ पॉइंट पी एंड यू आर पुटिंग अ चार्ज हेयर एक बहुत ही स्मॉल सा चार्ज हम लोग लेके चलते हैं दिस इज अ टेस्ट चार्ज ये एक टेस्ट चार्ज होता है टेस्ट चार्ज हम आपको बताए हैं कि दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल चार्ज तो लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसको समझेंगे आगे चल के तो थोड़ा सा तो हम लोग लास्ट लेक्चर में समझे थे कि टेस्ट चार्ज बोलते हैं जो बहुत ही स्मॉल स्मॉल चार्ज होता है मतलब इस कैपिटल क्यू के कंपैरिजन में ये क्यू नॉट का जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है ठीक है बहुत ज्यादा स्मॉल है आप ऐसे ज्यूम कर सकते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं अगर ये मान के चलिए टेनकुल का चार्ज है तो यहां पर जो आप चार्ज लीजिएगा पॉइंट वन पॉइंट जीरो वन जितना स्मॉल आप ले सकते हो जो एज 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 पॉसिबल एज स्मॉल एज पॉसिबल जितना आपको छोटा चार्ज यहां रखना संभव हो सकता है उतना छोटा चार्ज यहाँ रखा जा सकता है रखते हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली टेस्ट चार्ज तो यहां पर क्यों हम लोग एक स्मॉल चार्ज रख लेकर चलते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहां पर हम लोग पॉइंट पी पर एक स्मॉल चार्ज क्यू नॉट रखे हैं इस कैपिटल चार्ज क्यू की वजह से यहां पर किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है पी पॉइंट पर वो क्या है जीरो है ठीक है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कैपिटल क्यू चार्ज एट द पॉइंट पी इज जीरो दैट्स दिस पॉइंट पी इज कॉल्ड एज इंफिनिटी इसीलिए इस पॉइंट पी को हम लोग क्या बोलते हैं इंफिनिटी बोलते हैं तो जब भी कोई इंफिनिटी बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अर्थ पर हैं तो बिल्कुल कोई मंगल ग्रह पे बात कर रहे हैं या अपने सोलर सिस्टम से बाहर या बहुत कोई दूर ऐसा नहीं आप यहां रखें एक चार्ज एक यहां रखें अगर इस चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव कुछ भी नहीं है जीरो है तो आप इस इस पॉइंट को यहां पर रखा हुआ पॉइंट को आप क्या बोलिएगा इन्फिनिटी है किसके लिए इसके लिए क्योंकि यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है जीरो है ठीक है खैर तो ये चीज चीजें यहां पर आपको आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा सिनेरियो क्या-क्या सेट किया गया एक हम लोग कैपिटल q चार्ज लिए इसका एक रीजन है जहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां तक आप फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाओगे ये जो हम डैश लाइन बनाए हैं इस डैश लाइन से जैसे ही अंदर एंटर करोगे आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा लेकिन इस डैश या इसको सब बोलिए सरकम से जैसे ही बाहर आप जाओगे तो आपको इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होता हुआ नहीं दिखेगा ठीक है इसके बाद हम लोग क्या किए लास्ट क्लास में बोले थे कि एक एक्सटर्नल एजेंट की हम लोग बात किए थे वो भी बताया थे कि लास्ट हम लोग आगे चल के एक्सटर्नल एजेंट के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है एक्सटर्नल एजेंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जब डेफिनेशन को सेट कर रहे थे तब भी ये बात को आपको बताया थे कि ये कैपिटल जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो है ये खुद यहां पर नहीं आएगा इसको कोई लेकर आएगा और जब कोई लेकर आता है तो उसको हम लोग जो लाने वाला व्यक्ति रहेगा या जो ऑब्जेक्ट रहेगा जो भी चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं ठीक है तो ये एक्सटर्नल एजेंट जो है इस कैपिटल क्यू चार्ज को इस सॉरी इस टेफ्ट चार्ज को इस कैपिटल क्यू चार्ज के इस रीजन में इस क्षेत्र में के अंदर लेकर आएगा क्या कह रहे हैं इस टेस्ट चार्ज को यानी क्यू नॉट को ये एक्सटर्नल एजेंट कुछ फोर्स लगाकर ताकत के साथ इस कैपिटल क्यू चार्ज के रीजन के अंदर किसी पॉइंट पे रखेगा। आप इमेजिन कीजिए कि हम इसको पॉइंट ए पर रख दिए ठीक है आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि हम सरकमफेरेंस पर यहां पर बिल्कुल रखे पॉइंट ए पर ठीक है यहां पर मेरा कैपिटल सॉरी ये स्मॉल क्यू नोट जो है चार्ज इसको रखे हैं तो यहां से यहाँ लाने में इस जगह से इस पी पॉइंट से इस ए पॉइंट तक इस क्यू नॉट चार्ज को लेकर आएगा जब भी आप किसी सामान को या किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो आप क्या कहते हो कि हमने वर्क डन किया कुछ काम किए हम ठीक है तो ये एक्सटर्नल एजेंट भी तो इस क्यू नॉट चार्ज को इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इस पॉइंट पी से इस पॉइंट ए तक लेकर आ रहा है तो इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट भी क्या किया है वर्क डन किया है ठीक है अब ये जो वर्क डन कर रहा है ठीक है तो इसके फोर्स यानी जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये फोर्स किस डायरेक्शन लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में कैपिटल क्यू जो है ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है मतलब एक्सटर्नल एजेंट जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाकर इस क्यू नोट को लेकर आ रहा है इसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में ये कैपिटल क्यू क्या कर रहा है फोर्स लगा रहा है तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो भी वर्क डन कर रहा है ये नेगेटिव वर्क डन है क्योंकि कैपिटल क्यू जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट काम कर रहा है इसलिए इसको नेगेटिव वर्क डन भी कहते हैं ठीक अब क्या है कि यहां पर इस पॉइंट पी पर हो सकता है एक चार्ज हो दो चार्ज हो दो खराब चार्ज हो करोड़ों लाखों चार्ज होंगे लेकिन ये एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा जब भी चार्ज यानी जब भी वर्क डन करेगा यहां पर सैकड़ों चार्ज हो सकते हैं हजारों की संख्या में चार्ज हो सकती है लाखों करोड़ों की संख्या में चार्ज पॉसिबल है लेकिन ये एक्सटर्नल एजेंट सभी चार्ज को एक बार में उठाकर नहीं लाता है वन बाय वन यानी जब भी ये लेकर आएगा एक बार में सिर्फ एक ही चार्ज को लेकर आता है इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम लोग डिफाइन करते हैं एट दैट टाइम हम लोग पर यूनिट चार्ज की बात करते हैं पर यूनिट चार्ज मतलब एक चार्ज की हम लोग बात करते हैं यह लाखों करोड़ों चार्ज होगा ठीक है लेकिन वो लाखों करोड़ चार्ज को एक बार में नहीं लाएगा लाएगा एक बार में सिर्फ एक ही चार्ज को इसीलिए इसके डेफिनेशन के अंदर जब हम लोग चार्ज को मेंशन करेंगे तो यूनिट चार्ज बोलकर मेंशन करेंगे क्योंकि एक बार में एक ही चार्ज लेकर आता है एक चार्ज को लाने में जो भी काम करेगा ये एक्सटर्नल एजेंट वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से रिपीट कर रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट जो है इस यूनिट चार्ज को इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट से यानी इंफिनिटी से उठाकर इस ए पॉइंट तक लेकर आने में जो भी काम करेगा दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में हम लोग वोल्टेज बोल देते हैं ठीक है तो अब क्या है यहां से जब ये एक्सटर्नल एजेंट लेकर आएगा तो डेफिनेशन को अगर हम लोग सेट करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यह हो गया यह डेफिनेशन है अब इसको थोड़ा सजा के लिखेंगे यह मैथमेटिकल फॉर्म में सेट कर दिए ठीक है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर का मतलब ये बट्टा का साइन जो हम लोग दिए है ना डिवाइड वाला इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन के अंदर पर ठीक है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब थोड़ा सा डेफिनेशन को सेट और करते हैं ठीक है ये जो वर्क डन कर रहा है यानी चार्ज को उठा के ला रहा है कहां से कहां लेकर आ रहा है ऑब्वियस सी बात है इंफिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट तक लेकर आ रहा है इंफिनिटी से क्या ला रहा है ये एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी से इस क्यू नॉट को उठाकर किसी सर्टेन पॉइंट तक लेकर आ रहा है ठीक है तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन मे बी डिफाइंड एज सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मे बी डिफाइंड एज वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किए गए कार्य को बोलते हैं ठीक है क्या कार्य करता है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने में जो भी काम करेगा एक्सटर्नल एजेंट दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां तक ये डेफिनेशन क्लियर है ठीक है तो डेफिनेशन को लिख देते हैं फिर इसके कुछ चीजों को और समझेंगे आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा इट मे बी डिफाइंड एज थोड़ा सा जगह स्पेस कम पड़ेगा थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं इट मे बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव टू ब्रिंग एन यूनिट पॉजिटिव स्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन पॉइंट वेरी सिंपल आप वीडियो को पॉज करके आराम से इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा इट मे बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग एन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट ठीक है अब क्या है अगर हम लोग एक्सटर्नल एजेंट की बात करें देखिए इस डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखे तो जब भी आप कॉपी में नोट्स बनाइएगा तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाया जाता है डायग्राम बनाने के बाद आप इस डेफिनेशन को लिखिएगा डेफिनेशन को लिखने के बाद इसके मैथमेटिकल फॉर्म को इस तरह से लिखिएगा इसके बाद की चीजों को और समझते हैं ठीक है अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो एक्सटर्नल एजेंट होता है ये सर्किट के अंदर बैटरी होता है ठीक है जनरली हम लोग एक्सटर्नल एजेंट किसको कहते हैं बैटरी को कहते हैं लाइक like ये कोई रजिस्टर है और यहां पर एक बैटरी हम लोग कनेक्ट कर दिए ठीक है ये मेरा टर्मिनल ए है और ये मेरा टर्मिनल बी है ठीक है बैटरी में से इधर से आपको ये पॉजिटिव होगा बैटरी का लंबा वाला डंटा और छोटा वाला नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से क्या निकलता है इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बैटरी क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को इस बी से ए तक क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है आई होप सबको इतना मालूम होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के डायरेक्शन के ठीक उल्टा करेंट फ्लो होता है मतलब करेंट अगर इस रजिस्टर आर में ए से बी की ओर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर से फ्लो हो रहा है बी टू ए फ्लो हो रहा है तो ये जो बैटरी है इस इलेक्ट्रॉन को बी से ए ले जाने में जो भी काम करेगा जो भी वर्क डन करेगा दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर दिस सर्किट आर ठीक है आई होप इतना क्लियर हुआ होगा तो इस सर्किट के लिए ये बैटरी जो है एक्सटर्नल एजेंट हो जाता है ठीक है तो सर्किट में ऑलवेज बैटरी जो है इट बिहेव्स लाइक अ एक्सटर्नल एजेंट ठीक है अगर आप उस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाओगे तो आप खुद भी एक्सटर्नल एजेंट कहलाओगे ठीक है तो आई होप इतना आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा अब अगर हम लोग बात करें इसके एसआई SI यूनिट की ठीक है तो एसआई SI यूनिट क्या होता है तो ऐसा यूनिट वर्क डन का जूल होगा पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं ये वर्क डन के लिए आप क्या लिखोगे जूल लिखोगे और चार्ज के लिए क्या लिखोगे कूलाम लिखोगे तो जूल पर कूलाम दिस इज कंबाइंडली कॉल्ड एज वोल्ट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है ठीक है लेकिन जो ये बना है दैट इज जूल पर से बनाया एसआई यूनिट फॉर वर्क डन एंड यूनिट फॉर चार्ज चार्ज को हम लोग तो लो में में तो ठीक है अब एक चीज हम बताए थे कि ये जो टेस्ट चार्ज होता है इसका स्मॉल होना बेहद जरूरी है ऐसा क्यों देखिए जब इस डेफिनेशन को सेट किया गया है तो इस तरह से सेट किए हैं कि ये जो चार्ज है कैपिटल क्यू इसका ये जो रीजन है जहां तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक इस कैपिटल क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इस रीजन तक इसके सर्कमफेरेंस तक हम लोग क्या कर पा रहे हैं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं ठीक है तो ये एक चार्ज सिस्टम कहलाएगा ठीक अभी हर एक चार्ज सिस्टम का अपना एक एनर्जी होता है थीक? अब एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये जो चार्ज है इसके एंटर करने से पहले जितना एनर्जी था जस्ट सपोज हम लोग कुछ एनर्जी मान लेते हैं सपोज दैट एनर्जी है यहां पर सपोज दैट एनर्जी हम लोग ले लिए हैं दैट इज कुछ इवन एनर्जी है ठीक है कुछ इवन एनर्जी मान लेते हैं इस चार्ज सिस्टम का तो जब ये Q नॉट एंटर नहीं किया है तब इसकी एनर्जी कितनी है E1 है इस क्यू नॉट के एंटर करने के बाद भी इसका एनर्जी E1 ही होना चाहिए ना E1 से कम और ना E1 से ज्यादा बिल्कुल E1 होना चाहिए ऐसा कैसे पॉसिबल है ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये क्यू नॉट चार्ज जो है इस कैपिटल क्यू चार्ज के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा स्मॉल हो इट मीन्स क्यू नॉट इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू क्यू अगर ये है तभी ये एनर्जी क्या रहेगा पहले जितना रहेगा मेंटेन रहेगा ठीक है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से इसका एनर्जी चेंज नहीं करना चाहिए इसीलिए हम लोग ऑलवेज जो है यहाँ टेस्ट चार्ज लेते हैं क्योंकि टेस्ट चार्ज का डेफिनेशन ही है बहुत ही ज्यादा स्मॉल चार्ज ठीक है यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ठीक है तो आप लोग क्या कीजिएगा डायग्राम बनाए डेफिनेशन बनाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग लिखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन वर्क डन जरूर लिखिएगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जाता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसका एसआई यूनिट लिखिएगा वर्क डन का जूल यूनिट का जूल पर भी वोल्ट, है? इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं कई बार एग्जाम में वन वोल्ट डिफाइन करने के लिए भी आ जाता है डिफाइन वन वोल्ट, वन वोल्ट से आप क्या समझते हैं ये डिफाइन करने के लिए एग्जाम में पूछ लेते हैं पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वन वोल्ट एक वोल्ट से आप क्या समझते हो तो वन वोल्ट का मतलब क्या है कि अगर एक कुलाम्ब के चार्ज को किसी जगह से किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह ले जाने में अगर हम लोग एक जूल का वर्क डन करते हैं then that is called as one volt. फिर से रिपीट करते हैं एक कुलाम के चार्ज को किसी एक पॉइंट से उठाकर किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाने में अगर हम लोग एक जूल का वर्क डन करते हैं देन दिस इज कॉल्ड एज वन वोल्ट ठीक है इंग्लिश में इसी को लिख दीजिएगा इफ वन कुलाम चार्ज सॉरी uh, ऐसे लिखेंगे अगर एक जूल का कार्य किया जाता है एक कुलाम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वन वोल्ट बोलते हैं ठीक है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वन वोल्ट अगर शॉर्ट नोट्स में आ रहा है तो आप वन वोल्ट को भी लिख सकते हैं ठीक है अब क्या है यहां पर एक चीज समझने लायक कि जब भी हम लोग इस डेफिनेशन को इस तरह से लिखते हैं तो इसका एक डायमेंशन भी लिख देते हैं कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो आप लोग क्या करते उसको रटते हो ठीक है तो रटना नहीं है इस डायग्राम का काम हो गया ठीक है रटने का काम नहीं है कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है डायमेंशन को भी आप समझ लो किस तरह से हम लोग इसके कई बार इसका डायमेंशन पूछ लेता है ठीक है तो देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखेंगे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखते हैं तो बेसिकली क्या लिख रहे हैं वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज हम अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं ठीक है तो वर्क डन बेसिकली क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है डिवाइडेड बाय चार्ज क्या हो गया खुलम ठीक है इतना हो गया अब फोर्स को आप लोग क्या लिख सकते हो फोर्स को आप लोग लिख सकते हो इक्वल टू एम इंटू एल लिख सकते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से ठीक है तो आप एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए लिख सकते हो यानी मास इंटू फोर्स को आप क्या लिख सकते हो मास इंटू एक्सलेशन ठीक है इंटू डिसमेंट डिवाइड बाई आप क्या किए यहां पर कुलम आप देखो कुलम क्या होता है तो करेंट जो होता है करेंट जो होता है दैट इज चार्ज बाय टाइम होता है ठीक है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्चुअली करेंट पर आप यहां से को को क्या लिख सकते हो? यानी हम I ले लिए, I into time के लिए, टी ले लिए, तो इसको आप चार्ज को सी ले लिए, यानी सी कैन आई इंटू टी कई बार आई को एम्पियर भी लिख देते हैं मतलब कई बार क्या आप जब डायमेंशन लिखते हो तो कई जगह आपको आई लिखा हुआ मिलेगा कई जगह आपको ए लिखा हुआ मिलेगा ठीक है तो आप जैसा भी चाहे उसको लिख सकते हो आप देख लेना अगर आई के फॉर्म में ऑप्शन में रहा तो आप लिख दो या तो आई लिखो या इसी को एम्पियर लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं ठीक है तो हम आई लेके चल रहे हैं आई इंटू टाइम यानी कि हम लोग कुलाम को किससे रिप्लेस कर दिए आई इंटू टाइम से ठीक है अब मास के लिए तो आपको मालूम है कैपिटल एम लिखते हैं एक्सिलेशन क्या होता है तो एक्सिलेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सिलेशन जो होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसका मतलब मीटर को आप मीटर लेंथ में मेजर करते हैं तो एल हो गया और सेकेंड स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर तो आप इसको क्या लिख सकते हो एल टी का पावर माइनस टू ऐसे लिख सकते हो तो एक्सिलेशन को आप क्या लिखोगे एक्सिलेशन को आप लिखोगे एल का पावर माइनस आप जो या मेजर करते हो वो भी एल में मेजर करते हो, length में लेते हो ठीक है और फिर आई आपका टी हो गया ठीक है अब आप इसको क्या लिख सकते हो एम लिखे ये एल है और ये एल है कितना हो जाएगा एल स्क्वायर ये टी का पावर माइनस टू है इसके ऊपर टी का पावर प्लस वन है ऊपर जाएगा तो माइनस वन तो ये कितना हो जाएगा टी का पावर टोटल माइनस थ्री तो आप इसको क्या लिखोगे टी का पावर माइनस थ्री और ये आई का पावर कितना हो जाएगा माइनस वन दिस इज योर डायमेंशन ठीक है तो आप ये एग्जाम में बता सकते हो कि इसका डायमेंशन कितना हो गया आपका एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस थ्री आई का पावर माइनस वन तो इतना चीज अगर आप देते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर तो आई होप ये मोर देन इनफ है इन जनरल ये नोट्स में आपको लिखने के लिए के लिए मार्क्स अंदर पूछ लेता है लॉन्ग मार्क्स में इसका आने का चांसेस डिप्लोमा बेसिस पर बेहद कम है ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा दैट इज ईएमएफ उसको डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे वंस अगेन फिर से आपको 19th ऑफ अक्टूबर 2021 का डेट याद रखिएगा उस दिन से आपका फ्रेश और न्यू बैच हर एक ब्रांच में स्टार्ट हो रहा है तो काइंडली जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप लोग उसको जरूर से वहां पर फोन करके इंक्वायरी ले लीजिए बिल्कुल फ्रेश बैच है बिगनिंग से स्टार्ट होगा

बताए ही है ठीक है टिल देन थैंक यू वेरी मच